Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, Vastu consultant and an astrologer. So aaj ka ye video hai regarding 6 months predictions from July to December 2020. Lockdown predictions kahi jayengi ye because न्यू ईयर हमने बनाया था बड़ी उम्मीदों के साथ में कि 2020 में हम ये गोल्स अचीव करेंगे, ये होगा, वो होगा, बट ज़िंदगी ने एक अलग ही कुछ रियलिटी हमें दिखाई है। सभी लोग एक अलग ही कॉन्शियसनेस में चल रहे हैं जहाँ पे ये रियलाइजेशन आ चुकी है कि यू नो लाइफ में कहीं ना कहीं पैसे ज़्यादा, मटीरियलिस्टिक होने से ज़्यादा, ब्रांड्स के पीछे भागने से ज़्यादा, कहीं ना कहीं रिश्ते, फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत, काइंडनेस, इंसानियत सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है आज के टाइम पे। सभी को जिंदगियों की कद्र, टाइम की कदर और हर एक इंसान की कद्र होने लग गई है 2020 में। सो इट्स लाइक सभी लोग अवेयर हो रहे हैं, सभी लोग ग्रो हो रहे हैं, सभी लोग चाहते हैं कि ये धरती हील हो, पॉजिटिव हो और ये जो इतना बड़ा कष्ट पूरी धरती पर आए जल्द से जल्द ख़त्म हो, लोग हील हो एंड अपनी कहते हैं ना कि अपनी केयर खुद करना भी सीखें, दूसरों की भी केयर हम करें। तो ज़िंदगी एक अलग ही, हमें सबको ये अलग नज़रिया दिखा रही है अपने अपने लेवल पर। तो उसी हिसाब से जो सिचुएशन, हालात बन चुके हैं, इन हालातों में अब आगे आपकी राशि के अनुसार क्या कहते हैं कार्ड्स, क्या कहता है प्रेडिक्शन, क्या होने वाला है आगे आपके राशि के अनुसार, वो हम जानेंगे। मैं बिग बिग इवेंट्स पर बात करने वाली हूँ, जैसे कि आप समझ लीजिए कि यू नो हम इस बार इस 6 मंथ प्रेडिक्शन में भावनाओं की बातें नहीं करने वाले हैं। दिस विल बी अबाउट कि शादी होगी या नहीं होगी, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं तो वो ठीक होंगे कि नहीं होंगे आने वाले 6 महीनों में, एंड जो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एक चीज़ के लिए वो ये है कि क्या आपके आने वाले 6 मंथ्स में कोई एक सबसे बड़ी इच्छा जो भी आपकी हो, क्या कोई एक खास इच्छा आपकी वो पूरी होगी या नहीं। अब वो इच्छा किसी भी कैटेगरी में हो सकती है, वो हो सकती है आपकी लव लाइफ में हो, करियर में हो, जहाँ मर्जी हो, बट क्या एक आपकी सबसे खास इच्छा पूरी होगी या नहीं आने वाले 6 महीनों में, 2020 के ईयर एंड में क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। सो बिग बिग इवेंट्स पर बात होगी आने वाले 6 मंथ्स प्रेडिक्शन पर, बिकॉज छोटे छोटे इवेंट्स के लिए तो आप मेरी मंथली रीडिंग्स देखेंगे, उसमें आपको सारी अपडेट्स मिल जाती हैं, बट दिस इज़ अबाउट द बिग थिंग जो आने वाले 6 महीनों में हमें अवेयरनेस चाहिए या क्या गाइडेंस देंगे टैरो कार्ड्स, उस हिसाब से हम जानेंगे। सो वन बाय वन आपको पता ही होगा कि आपकी राशि कौन से, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, तो इस इंट्रोडक्शन के बाद में आपकी वो राशि की गाइडेंस शुरू हो जाएंगी। एंड उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सो डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक। अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं सो उसकी भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, या मैं यहाँ कहीं उसकी पोस्टर लगा दूंगी, सो आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल कंसल्टेशन। सो चलिए ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, अब हम इसके बाद में स्टार्ट करेंगे वन बाय वन फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडियक साइन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एरीज, सो ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहली चीज़ कि एरीज कैसा फील कर रहे हैं करंटली ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, क्या उनके एनर्जीज हैं। सो यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया था टेम्परेंस का कार्ड है। सो एरीज ये बताता है कि कहीं ना कहीं टेंशन है, स्ट्रगल है, स्ट्रेस है, लेकिन आप बड़ी कोशिश करो कि आप बैलेंस रहो, स्टेबल रहो, स्ट्रांग रहो। सो यस यू आर डूइंग गुड, बट क्या है ना कहीं आपकी जो परेशानी है, जो स्ट्रेस का लेवल है वो दिखता ज़रूर है, लेकिन आप उसको अभी तक, मतलब मैं कहूँगी कि एरीज राशि वाले अपने आप को कहते होंगे कि यार देखो बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई, बहुत स्ट्रेस हो गया है, बट तब भी मैंने अभी तक जैसे तैसे 3 महीने गुजार ही लिए हैं, सो मैं काफ़ी अच्छा हैंडल कर रहा हूँ सिचुएशन को। तो एरीज कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि जो भी, जैसी भी परिस्थिति हो उसमें वो खुद को संभाल ज़रूर लेते हैं, तो वो उनकी एक अच्छी खासियत भी मानी जाती है एरीज राशि वालों की, तो ये ज़रूर दिखता है यहाँ पर। तो मैं कहूँगी कि तनाव है, लेकिन उस तनाव में ना बड़ी शांति से अपने आप को संभाले बैठे हैं एरीज, मतलब बस ऐसे हैं कि बस इस समय को काट रहे हैं और फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड हुए तो पड़े हैं, बट जैसे तैसे आप संभाल रहे हैं अपने आप को, सो विच इज़ अ गुड थिंग। एरीज राशि वालों का मुझे कार्ड बैलेंस दिखता है, स्ट्रगल है बट फिर भी ना उन्होंने बैलेंस बड़ा अच्छा किया हुआ है अभी तक, तो मैं बहुत ही एक्सट्रीम नेगेटिव जोन नहीं कह सकती हूँ एरीज राशि वालों के लिए, स्टिल वो लोग बैलेंस अच्छा कर रहे हैं अपने आप को। सेकेंड कार्ड की तरफ चलते हैं कि क्या है, वो ये है कि आने वाले 6 मंथ्स में क्या एनर्जीज एंड वाइब आपके लिए दिखते हैं। मुझे मेजॉरिटी ऑफ एरीज कहीं ना कहीं काम करते हुए दिखते हैं, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इन्वॉल्व होते हुए दिखते हैं,
मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो मेरे को ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ एरीज के लगता है कि उनकी ज़िंदगी में जॉब आ जाएगी आने वाले 6 मंथ्स में, अगर नहीं है तो, या कहीं ना कहीं से काम की बढ़ोतरी, काम चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत से एरियाज़ में अभी लॉकडाउन नहीं है, बहुत से एरियाज़ फ्री हो चुके हैं। सो कहीं ना कहीं आने वाले 3 मंथ्स बाद, तो जितने भी एरीज ये वीडियो देख रहे हैं अभी से लेके, मतलब मैं जुलाई में शूट कर रही हूँ ये वीडियो, सो यहाँ से लेके आने वाले 3 मंथ्स में अप्रॉक्स कहीं ना कहीं आप बैक टू वर्क या बैक टू वर्क में इंप्रूवमेंट आ सकती है, अगर जॉब नहीं है तो। अगर मान लीजिए आप जॉब में सस्टेन कर रहे हो, तो मेरे को कोई और बड़ा इवेंट जॉब में आता हुआ नहीं दिखता। ऐसे कोई फियर होता ना कि भाई जॉब चली ना जाए, जॉब में इश्यूज़ ना हो जाए, तो मेजॉरिटी ऑफ चांसेस 80-90% ये है कि जॉब नहीं जाएगी, जो काम चल रहे हैं, जो बिजनेस चल रहे हैं, रुके पड़े तो चल पड़ेंगे, तो बड़ा ज़्यादा मेरे को स्ट्रेस नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं आई सी यू वर्किंग एरीज, मुझे आप कहीं ना कहीं काम करते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं से पैसे की सपोर्ट आपको आएगी ज़रूर। तो ऑल ओवर एक नॉर्मल एनर्जीज अच्छी हैं। वहीं साथ ही साथ मैं आपके लिए स्पेशली अगर करियर कार्ड अगर देखती हूँ, तो वहाँ पर मेरे को थोड़ा सा फिर से तनाव दिखता है पैसे को लेकर, जहाँ पर ये दिखता है कि कहीं ना कहीं, ऑफ कोर्स क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो कहीं ना कहीं चीज़ें तनाव में बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे एक्सपेंसेस बढ़े हुए हैं या कहीं ना कहीं इनकम कम हुई पड़ी, तो हम मैनेज नहीं कर पा रहे अपने पैसे को। तो इनकम आते हुए भी कहीं ना पैसे को लेके चिंता, फियर, परेशानी ज़रूर बनी हुई है कुछ ना कुछ एरीज़ की ज़िंदगी में। तो मैं कहूँगी आगे के आने वाले कार्ड्स ना कह रहे हैं कि एरीज़ चिंता मत करो, क्योंकि मुझे एरीज़ राशि वालों के लिए, जो भी लोग एरीज़ कुछ जो एरीज़ हैं वो कहीं ना कहीं अगर पैसे को लेके चिंतित हैं, परेशान हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी 3 to 4 मंथ्स, मतलब अराउंड सितंबर या अगस्त के बीच में चीज़ें ठीक होना शुरू हो सकती हैं, मैक्स अक्टूबर में, तो थिंग्स में स्टार्ट चेंजिंग इन योर फेवर, तो आपके फेवर में चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं एरीज़, तो चिंता ना करें। मुझे पैसे का स्ट्रेस दिखता है, बट आगे एक बहुत ही अच्छा कार्ड आके आपके लिए आया हुआ है जो काफ़ी अच्छी चीज़ें बता रहा है आपके लिए, तो मैं कहूँगी पेशेंस 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 एरीज़। यहाँ पर पैसे का जितना भी आपका तनाव है ये ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तक कंटिन्यू होता दिखता है, 3 मंथ्स के बाद में चीज़ें शुड गेट बेटर, या जॉब मिल जाना, या पैसे की स्टेबिलिटी आ जाना, पैसे का स्ट्रेस कम हो जाना। तो जो भी आपके डेब्ट्स हैं, कर्जे हुए पड़े हैं, EMIs हैं, फैमिली को देखना है, फैमिली प्रेशर है, घर का प्रेशर है, लग रहा है कि हमारी ज़िंदगी अनस्टेबल होगी, ये पैसा नहीं आएगा तो पता नहीं ज़िंदगी कैसे चलेगी, बड़ा सारा इंसान ना करियर का स्ट्रेस ले लेता है, तो वो सारी चीज़ों में कहूँगी स्ट्रेस मुझे दिखता है, बट मेरे को स्ट्रेस ठीक होता हुआ भी दिखता है आने वाले 6 मंथ्स में, तो दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर यू एरीज। आगे मैं बात करूँगी कि क्यों मैं करियर को इतना कह रही हूँ कि भैया एरीज ठीक हो जाएगा, आगे ऊपर वाले की मर्जी, हम सिर्फ आपको एनर्जीज बता सकते हैं, कृपा उसकी होती है, वो जब इच्छा नज़र एक डाले तब चीज़ें चेंज होती हैं। सो दैट इज़ द मेन थिंग, बट स्टिल हम पूरी कोशिश करेंगे जानने की कहाँ कहाँ एरीज की लाइफ चेंज होती दिख रही है। सो दैट इज़ अभी तक ये कार्ड देखें। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी रिलेशनशिप के बारे में। तो क्या आने वाले 6 महीने में रिलेशनशिप ठीक होंगे? अगर प्रॉब्लम चल रही है तो मैं कहूँगी जी चांसेस अच्छे हैं, रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आ सकती है, बट वही है नवंबर दिसंबर में होगा, उससे पहले मेरे को इम्प्रूवमेंट इतनी नहीं दिख रही है मेजॉरिटी बिग प्रॉब्लम्स पे। अब मैंने कहा था ये मैं बड़े बड़े इवेंट्स की बात करूँगी, तो उस हिसाब से अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि आपके हस्बैंड या वाइफ अलग हो गए हैं, बात नहीं कर रहे हैं, बड़े इश्यूज़ चल रहे हैं, तो क्या उसमें रिकवरी एरीज उम्मीद कर सकते हैं? तो जी मैं कहूँगी उम्मीद कर सकते हैं रिकवरी की, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग इमोशंस की रिकवरी हो सकती है। ईगो क्लैश रहेगा, ईगो के इश्यूज हो सकते हैं कि भैया मनाना थोड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट स्टिल रिकवरी के चांसेस बने हुए हैं। अब उसी के साथ साथ मैं बात कर लूँ कि क्या एरीज़ राशि वाले जो शादी के लिए देख रहे हैं उनकी शादी होने के चांसेस हैं इस लॉकडाउन में? तो मैं कहूँगी जी अगेन नवंबर दिसंबर का पीरियड आपके लिए दिखता है जहाँ पे शादी इंडिकेट करती है। अगर मैरिज के लिए आप देख रहे हैं एरीज, तो कुछ अच्छी पॉसिबिलिटी दिखती हैं कि यहाँ पर आपके ईयर एंड में योग बन सकते हैं। अब मैं कहूँगी ऐसा नहीं, अभी मेरे ना एरीज राशि वाले मेरी हर एज ग्रुप के लोग देखते हैं, तो ये नहीं है कि अभी जो 18 साल वाले हैं वो सोचे कि नहीं मेरी 6 महीने में शादी होने वाली है, जो 50 ईयर्स वाले हैं वो सोचे नहीं हमारी दोबारा शादी होने वाली है, ऐसा नहीं होता है। जो लोग शादी के इवेंट के लिए देख रहे हैं उनके लिए आने वाले 6 मंथ्स काफ़ी शुभ इंडिकेशंस लाते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी मैरिड लाइफ अगर चल रही है दिक्कत वाली तो ठीक हो सकती है। शादी के लिए अगर देख रहे हैं तो कोई अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं, कहीं अगर फ्लो में बात पक्की होती है तो आगे आप पक्की कर सकते हो, सो इट इज़ अ गुड थिंग। लव रिलेशनशिप में भी मुझे कहीं ना कहीं से सपोर्ट एंड पॉजिटिविटी आती हुई दिखती है, तो 6 महीने में लव रिलेशनशिप में आप हार्मनी की उम्मीद कर सकते हो एरीज, समवेयर डाउन द लाइन एक ऑप्टिमिस्टिक चीज़ दिखती है। अब एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जो लोग सिंगल हैं रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, वो सेक्टर में ना मैं इतना श्योर नहीं कह सकती हूँ कि सिंगल लोगों के लिए कोई एडजस्टमेंट हो जाए 6 मंथ्स में,
प्रैक्टिकली भी कहाँ इतना पॉसिबल है ना, आप किसी से मिल नहीं रहे हो, बातें नहीं हो रही हैं। तो सिंगल्स के लिए ना मैं बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दूंगी, सिर्फ 20% चांसेस अगर आप किसी के कम्युनिकेशन में हो तो वो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं लव लाइफ में थोड़ी इंप्रूव हो सकती है। बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ना कोई मजाक वाला कार्ड नहीं है, बड़ी मुश्किल से आता है रीडिंग में। तो जब भी आए ज़रूर प्यार मोहब्बत की कोई तो अच्छी खबर लाता है, कि कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है इंसान को कि मेरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक डीप लव, एक डीप प्यार ज़रूर है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग एरीज़। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि रिकवरी, पॉजिटिविटी इन लव लाइफ में मेरे को दिखती है आने वाले 6 महीने में। अब देखते हैं होता क्या है, बट एनी विच वेज आई सी गुड रीडिंग। अब कंबाइन में करूँगी कंक्लूड, मोटी मोटी अब हम बात कर लेते हैं कि जी वो जो मैंने कहा था ना कि इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी, कोई इच्छे इच्छा कोई सो सॉरी कोई इच्छा पूरी हो सकती है कि नहीं हो सकती, उसके बारे में बात कर लें। तो एरीज राशि वालों की जो सबसे कोई इच्छा हो खास, वो पूरी होगी कि नहीं होगी, उसके लिए कौन सा कार्ड आया है वो मैं बताने जा रही हूँ। सो दैट इज़ द कार्ड दी एम्प्रेस, अ ब्यूटिफुल कार्ड। ये कार्ड इंडिकेट करता है सबसे पहली चीज़ तो, जैसे कि मैं कह रही थी ना, कि आपकी काम को लेकर कहीं ना कहीं प्रोग्रेस हो सकता है, मेहनत का फल मिल सकता है, सब्र का फल मिल सकता है, और शादी होने के भी चांसेस बन सकते हैं। द एम्प्रेस का कार्ड ना एक और चीज़ माना जाता है, बेबी कंसीविंग के लिए भी बड़ा शुभ कार्ड है। आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये लेडी प्रेग्नेंट है, तो ये एक प्रेग्नेंट लेडी को भी दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं बेबी अगर कंसीव कर लिया है तो सक्सेसफुली हेल्दी बेबी डिलीवर भी हो सकते हैं। बेबी कंसीविंग के लिए देख रहे हैं तो बेबी कंसीव भी हो सकते हैं। सो एरीज राशि वालों के लिए सारे इंडिकेशन काफ़ी पॉजिटिव और शुभ हैं। क्वीन ऑफ कप्स दी एम्प्रेस, दिस कॉम्बिनेशन इज अमेजिंग। ये हम कहते हैं ना कि नरिशमेंट, हेल्थ केयर, पॉजिटिविटी, हीलिंग, लव, रोमांस, हर चीज़ को इंडिकेट करता है एरीज। आई एम सो हैप्पी फॉर यू एरीज। सो दिस इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर यू आने वाले 6 महीनों में। तो हम ईयर एंड के आते आते काफ़ी अच्छे, बट ये ना सारी ईयर एंड की तरफ है, मैं ये नहीं कह सकती कि जी 1 महीने में हो जाएगा। इससे हम कहते हैं विंटर सीजन में काम बनने शुरू होंगे, नवंबर दिसंबर के आसपास में मैं कह सकती हूँ कि थिंग्स में स्टार्ट मूविंग, ईयर एंड तो लग ही जाएगा। तो जो हम मैंने कहा था येस एंड नो में बात करेंगे कि क्या आपकी कोई खास इच्छा, अब वो ना कुछ लोगों के लिए हो सकती है भैया करियर, कुछ लोगों के हो सकती है शादी, कुछ लोगों के लिए हो सकती है जी वो मेरी उससे बात हो जाए जिससे मैं प्यार करती हूँ। सो इट कैन बी सो मैनी थिंग्स, बट समवेयर जो इच्छा आप बड़े टाइम से इंतज़ार करो, मैं उस इच्छा की बात कर रही हूँ, मुझे जाके पेस्ट्री खानी है, वो उसे हम इच्छा नहीं कहते हैं बड़ी इच्छा, इट इज़ लाइक अ बहुत टाइम से जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो वो वाली इच्छा। तो उसको लेकर ज़रूर पॉजिटिविटी एंड हार्मनी दिखती है एरीज आपके लिए इन आने वाले 6 महीनों में। सो आई एम रियली हैप्पी विद द रीडिंग अभी तक। आगे बात कर लेते हैं कि गाइडेंस क्या है, गाइडेंस कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। दो कार्ड्स हैं, सबसे पहली चीज़ तो एक बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है जिसकी पिक्चर ही बड़ी खूबसूरत है। यहाँ पर मैं अच्छे से जूम कर लेती हूँ, यहाँ पर लड़की है, उसने ना ऐसी एंजल जैसे उसने अपने हाथ यू नो ओपन रखे हुए हैं, एंड ऊपर से ना गोल्डन कॉइन्स बरस रहे हैं। मतलब हर इंसान यही चाहता है ना कि मैं अपना हाथ खोलूँ और मेरे ऊपर गोल्डन कॉइन्स की बरसात हो जाए, मतलब वाह वाह। तो कुछ इसी तरीके की इमेज है, और ये कार्ड पे लिखा है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है एरीज़ की ये आने वाले 6 महीनों में कुछ आपको मैजिकल सपोर्ट, कहीं ना कहीं से काम का अगर तनाव बना हुआ है तो कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट या अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सो पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, उम्मीद बनाए रखें, भगवान कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सपोर्ट ज़रूर आपको प्रोवाइड करेंगे आने वाले 6 महीनों में, ऐसा कार्ड्स कहते हैं। तो कार्ड की रीडिंग आपके लिए एनर्जी आपको दे रही है कि कहीं ना कहीं से अगर कोई दिक्कत चल रही हो, कोई परेशानी चल रही हो, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से काम बन सकते हैं। जो भी जैसा भी अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो इस समय में, जैसा भी काम आपको जहाँ पे मिल जाए वो आप अपॉर्चुनिटी ले ले। बहुत ज़्यादा पोजीशन, टाइप ऑफ जॉब, लोकेशन, बहुत ज़्यादा इतना रिस्ट्रिक्शन ना डालें, बिकॉज अपॉर्चुनिटी कार्ड जो भी आता है हम कहते हैं भैया जहाँ जो काम बनता है उसको ले लो, बहुत ज़्यादा सोचो मत। तो ये वो चीज़ इंडिकेट करता है। तो ऑफकोर्स मैं कहूँगी अबंडेंस या पैसे का फ्लो विंटर सीजन या ईयर एंड में बेटर हो सकती है, कंडीशन पैसे के हालातों की इम्प्रूवमेंट आ सकती है। सो ऑल ओवर चीज़ें आपके लिए सपोर्टिव होती हुई दिख रही हैं दो कैटेगरीज में, मुझे लगता है मैरिज इवेंट होने के लिए, और कहीं ना कहीं आपकी पैसे की जो दिक्कत चल रही है उस दिक्कत को कम होने के लिए। अब जिनकी लाइफ मनी को लेके, करियर को लेके स्टेबल चल रही है, मैं कहूँगी जी उसमें और बढ़ोतरी हो जाएगी, उसमें और इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। अपॉर्चुनिटी का ऐसा बरसता हुआ कार्ड आया तो कुछ तो करेगा, हम कुछ तो उम्मीद कर ही सकते हैं एरीज, दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर यू। अब बात कर लेते हैं एक और कार्ड की, कि आपके लिए और एक गाइडेंस क्या है। तो यहाँ पे आपके लिए 6 महीने का जो कीवर्ड बनता है वो कहता है कि
वेटिंग पेशेंटली, तो जिस भी चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं एरीज, उसके लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। वेटिंग पेशेंटली का कार्ड है, यहाँ पर वो लड़की आके ना आराम से टेबल पे बैठी है और आई थिंक किसी सामने वाले का इंतज़ार कर रही है, इमेज कुछ ऐसी है, और वो शायद से अभी तक आए नहीं है। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे कौन है जो अभी तक आए नहीं है और जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो? तो ये कुछ वो वाइब भी हो सकती है ऑफकोर्स, एंड लव रिलेशनशिप भी हो सकता है। आप कहीं अपना सोलमेट ढूंढ रहे हैं, प्यार ढूंढ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट वॉट्स एवर, वेटिंग पेशेंटली का मतलब ये होता है कि ज़िंदगी में जिस भी चीज़ की आप ड्रीम कर रहे हो, उम्मीद कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, उसमें सब्र करें, जल्दबाजी ना करें, कंक्लूजन पे ना पहुंच जाएं, ऊपर वाले की रहमत का इंतज़ार करें। कुछ पॉजिटिविटी ज़रूर हो सकती है। ये 6 महीने, ये साल ख़त्म होने से पहले आई सी सम गुड इवेंट्स। वो गुड इवेंट्स हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ करियर में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, लव लाइफ में मैरिज की इम्प्रूवमेंट मैरिज हो सकती है, मैरिज में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, दैट इज़ अ थर्ड थिंग हैपनिंग। और लव रिलेशनशिप में मुझे कहीं ना कहीं से इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखती है। सो अभी तक अगर मैं जुलाई से लेकर 3 मंथ्स तक मुझे स्ट्रेस तनाव दिखता है, बट ईयर एंडिंग तक आते आते चीज़ें पॉजिटिव इम्प्रूव होती हुई दिखती हैं एरीज आपके लिए। सो दिस इज़ दी ऑल ओवर वाइब एंड एनर्जी फॉर यू एरीज। कीवर्ड आपके लिए आने वाले 6 महीनों के लिए है कि वेटिंग पेशेंटली। जब जब आपको लगेगा कि यार ज़िंदगी में क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा, यही वाली आप रीडिंग देख लेना, वेटिंग पेशेंटली वापस से सुन लेना, शायद आपको लाइफ में सपोर्ट एंड गाइडेंस मिल जाए। सो दिस वॉज माई लव एंड एफर्ट फॉर यू गाइज एरीज। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, आपके और भी कोई एरीज दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। सो ये आपके लिए ऑल ओवर वाइब दिखती है, विच इज़ अ गुड एनर्जी फॉर यू एरीज। अगर मैं कंक्लूड करूँ रीडिंग को, तो ऑफकोर्स रीडिंग स्ट्रगल से बेटर होती हुई दिख रही है, इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है। अब देखो कि इसमें से कितनी चीज़ें आपके लिए रियलिटी बन पा रही हैं, क्या होता है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ऊपर वाले की कृपा और उसकी हाथ में सब कुछ होता है, आपके हाथ में सिर्फ कर्म है, तो वो ज़रूर कीजिए आप दिल से। बाकी भरोसा रखें ऊपर वाले पे, ज़रूर उनकी कृपा आप पर हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है आपके लिए एरीज। सो लेट्स सी आने वाले 6 मंथ्स में आपके लिए कैसा बीतता है। आई एम विशिंग यू ऑल द गुड लक एंड पॉजिटिविटी ऑन योर वे। रेस्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।